तो यहाँ थड़कने लग गया है भात। गजब। बीड़ी मुल हमारे मुल्क में चलता नहीं, सिगरेट ही चलता है। ओहो, सब सिगरेट सटकाएंगे। कनकांडा लगी तब। हमरो नेपाल भी ऐसा ही है, तिम्रो मुल्क जैसा ही है। हाँ, घोल के घोल के तब कपड़े में डाल के ऊपर टांग दिए, तब पानी निकल गया। अरे वाह। नहीं तो मैं हीरो यार, तुम हमें नई नई चीज सिखा रहे हो। ये आप सभी लोगों को नमस्कार। तो खेतों में जो है ना, आड़ू के, पहिया के और सबसे सफ़ेद रंग के फूल हो रखे हैं, मेलू के, बिल्कुल सफ़ेद। अलग पहचाने जा रहे हैं आजकल कि भाई हमारे गांव में यहाँ यहाँ मेलू के बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये हैं हमारे नेपाली भाई बंधु। चलो जी, हो गई काम की छुट्टी? हाँ, काम की छुट्टी नहीं, रोज इसी समय होती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा है काम। अच्छा अच्छा, तो आपका नाम क्या है? रुपेंद्र बुढ़ा। रुपेंद्र? अरे वाह यार रुपेंद्र। हाँ, उम्र कितनी हो गई आपकी लगभग? 18 साल हो गया। अरे वाह यार, तुम 18 साल में देखो विदेश भ्रमण कर रहे हो, भारत की यात्रा पे आ गए तुम। और हमारी तो दिली इच्छा होती है कि भैया हम भी कभी नेपाल जाएं, कम से कम काठमांडू, पशुपतिनाथ और या तो फिर वहाँ के गांव में जाएं। तो कैसा लगता है आपको हमारा उत्तराखंड, हमारा भारत? हाँ, एकदम बढ़िया लगता है। अच्छा, हाँ अच्छा लगता है भारत। तो तुम लोग बोलते होंगे कि हमरो नेपाल भी ऐसा ही है, तिम्रो मुल्क जैसा ही है। हाँ, है रुपेंद्र भाई। बताओ, अन्न पानी खूब पर कौमती बस पोषाई है। हाँ, रमरा लगे ये पहाड़। हाँ, रमरा लगे। सही है, हमें भी अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ। तो ये जो जगह है ना हमारे गाँव की, यहाँ का नाम है थरपा। बहुत शानदार जगह है ये, हमारे गाँव का मिलन केंद्र है। और ठीक पीछे देखिए आप हमारा प्यारा सा गांव, और ये सड़क जा रही है हमारे गांव की ओर। और इधर का शांत वातावरण, नेपाली भाई बंधु भी हैं इधर, और सब के सब अब 5:30-6 बजे तक लौट करके अपने आशियानों में आ जाते हैं। और अब वो यहां पर क्या बनाएंगे, खाना पीना। ये देखिए यहां जल रही है मस्त आग। क्या चढ़ाया? चावल? हाँ? चावल चढ़ा दिया इसमें? चावल 5 किलो। ना, इसमें चढ़ा दिया क्या चावल? हाँ। क्या अभी पानी गर्म हो रहा है? पानी चावल चढ़ा दिया। अच्छा अच्छा, कितना आ जाता है इस पतीले में? उसमें 2 किलो ही तो आएगा। 2 किलो का आएगा, 4.5 किलो आएगा। 4.5 किलो चावल आ जाएगा इसमें। और अच्छा, तो 11 लोगों के लिए हो जाता है इसमें? 11 लोग आप लोग? 10 लोगों का। हाँ, 10 लोगों का खाना बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, और तो दाई की ड्यूटी है यहाँ पे खाना बनाने की, वो सबसे जल्दी आ गए हैं। बाकी लोग थोड़ा लेट आएंगे ना अभी। ये मेट है? ठीक है दाई, मेट है उनके। हाँ, उनके हेड हैं ये, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके ही हेड हैं दाई। तो अब चैत में जाना हो रहा है घर की? नहीं हो रहा, कल परसों। कुछ लोग तो रुकेंगे यहाँ, जिनके घर में लोग होंगे, सब चले जाएंगे क्या? हमारा खेती बाड़ी का सीजन है ना। हाँ, खेती। अब क्या होगा खेती बाड़ी का? बुआई होगी ना? अब तो आलू लगाना पड़ेगा, बुआई करना पड़ेगा। और कोई झाड़ी झूड़ी काट कूट के आग जलाना पड़ेगा, और मल फेंकना पड़ेगा। खेत इतने बड़े हैं वहाँ भी? अरे हमारे खेती बाड़ी के खा रहा हूँ। ना, इतने बड़े खेत हैं कि छोटे हैं? अरे बड़े बड़े खेत है, शेरा। ओ, शेरा लगाते हो तुम? धान की रोपाई? धान की रोपाई। आहा, बड़े बड़े। विकास चंद जी, चलें क्या दाई के गाँव यार कभी? चलो चलते हैं, ले चलोगे? हम गाड़ी कर लेंगे यहाँ से। चलो साथ में चलेंगे। साथ में चलेंगे। अरे गाड़ी क्या करनी, रोड बेच जाती है टनकपुर बनबसा तक। अच्छा, बनबसा तक, वहाँ से नेपाल की बनबसा तक के ऊपर हमारे जिला तक जाएगा। हाँ, फिर मेरे चाचा जी SSB में, वहाँ पे जिला तक जाएगा। जिला से ऊपर छोटी गाड़ी जाएगी। अच्छा, छोटी मतलब टैक्सी? टैक्सी। अच्छा, हमारे घर के। अच्छा, मैंने सुना कि एक कान से बोल रहे थे कि रात को भी चलती है वहाँ गाड़ियाँ, रात का सफर भी है। रात चलती है, वो तो रात है। अब मैं तो अचंभित हो गया बिल्कुल सोच के कि यार रात का सफर कैसे है ना, मतलब पहाड़ों में, पहाड़ी तो है। हमारे यहाँ नहीं चलती, गाड़ियाँ बंद कर देते हैं यहाँ। हमारे रात ही चलते, रात भर का सफर। दिन पर चलते हैं, रात को भी चलते हैं, रात भर। गजब, ये तो बहुत ऐसा है फिर पहाड़ में। 3 बजे से निकल गए दिन के, 3 बजे अभी के 3 बजे निकल गए। तो हम कब पहुँचेंगे तुम्हारे गाँव? कल के
छह बजे हमारे जिले में पहुंचेगी रात को, शाम के टाइम नहीं सुबह सुबह। अच्छा अभी तो जिले की बात हो रही है, अभी जिले में पहुंचेंगे। हाँ तब उसके बाद छोटी गाड़ी पकड़ के 1000 रुपये फेंक के और परर चौकी में पुगनी पड़ेगा आगे। 1000 रुपये देना पड़ेगा? 1000 रुपये देना पड़ेगा। फिर उससे 1000 रुपये और दे के हमारे घर के सामने जैसे मेटने घाट रोड है इधर हमारा मगा रहा है। तब पैदल महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ महंगाई ज़्यादा है। तो यहाँ से जैसे आप पैसा ले जाते हो ना, तो यहाँ जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये से कितना पैसा मिलेगा आपको वहाँ पे? आप डेढ़ ही मिलता है। 150? हाँ पहले 60 मिलता था, अभी 150 मिलता है। मतलब इतना हमारे पैसे की वैल्यू घट गई। घट गई तो फिर वहाँ महंगा भी तो होगा। अच्छा आलू टमाटर क्या भाव होंगे? जैसे कोई चीज़ है ना कोई खरीदनी है, जैसे जैसे पतीला यहाँ का 100 रुपये का मिल जाएगा, तो वहाँ कितने का मिलेगा? महंगा मिलेगा या सस्ता मिलेगा? पतीला तो महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा ना, नेपाल में महंगाई बहुत ज़्यादा है। फिर वहाँ की सरकार ये भी तो नहीं देती गाँव में ना राशन वासन जैसे ना लोगों को देते दे रहे हैं? फ्री फ्री। अच्छा ये अच्छी बात है, देना चाहिए थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए। आजकल थोड़ा थोड़ा देते हैं। पर नेपाली बंधु मेहनती तो है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनती है। जब हमारा घर बना था ना तो फुल काम किया था उन्होंने, 8-10 लड़कों ने। अरे पूरा ये आजकल तो मशीन चल गया, ये मेन रोड बनाने वाला नेपाली लोग। हाँ, नेपाली सारा सारा रामनगर से यहाँ पौड़ी जिला तक ऊपर सब वही बनाते थे। गोपेश्वर चमोली तक का बनाने वाला नेपाल तो। हाँ तो यहाँ पर हमारे भतीजे विकास चंद जी भी आ रखे हैं, और रोज़ शाम का जो है यही रूटीन रहता है, या तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे निकल जाओ घटाचौड़ की तरफ, और आजकल यहाँ पे नेपाली भाई बंधु हैं तो हम भी फिर उनके साथ यहाँ पर बैठने के लिए आ जाते हैं। उनके क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी होती है क्योंकि हम नेपाल तो कभी गए नहीं, तो वो हमें अपने गाँव के बारे में बताते हैं, अपने शहरों के बारे में बताते हैं, तो हमारा भी जो है ज्ञानवर्धन होता है। तो बचपन से भी, हाँ सही विकास सही बोल रहा है कि बचपन से भी हम नेपाली भाई बंधुओं के साथ रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे गांव में किसी का घर बनता था तो उसमें नेपाली भाई बंधुओं का काफ़ी सहयोग होता था। बल्कि हमारे यहाँ तो गोबर भी फेंकते थे वो पहले। गोबर फेंकते थे, बहुत काम करते थे, पत्थर वगैरह लाना ले जाना, पत्थर लाना, ये बाथरूम इत्यादि जो भी काम हुए, रास्ते बनाते थे, सब 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 नेपाली ने बहुत काम किया यहाँ पे। बचपन से देखे हमने नेपाली यहाँ पे, पहले आपके मेठ आया करते थे यहाँ पे दामी, है ना। लकड़ी तो बढ़िया है, ये मोटी लकड़ी तो जलती रहती है रात भर, तो ये आग रात भर जलती रहती है यहाँ पे ताकि कोई जंगली जानवर इत्यादि ना आए इनके पास। अभी बरसात के टाइम पे तो इधर एक हिरन का बच्चा, काकड़ का बच्चा घूमता रहता है ये किधर, है ना बिका। पर जब इतने लोग हैं तो कुछ नहीं होता, और आग को देख के तो तब जंगली जानवर अपने आग ही भागते हैं, उसकी बास उसकी खुशबू ही सूंघ के। तो दाल कौन सी देसी? अच्छा वो आपने हरी भुज्जी भी रखी हुई है, कौन लाया? नोटियाल जी लाए होंगे। वहाँ कौन से नंबर बीड़ी मिलती है? यहाँ तो 27 चलती है अधिकतर। वहाँ बीड़ी शिवा बीड़ी मिलती है। शिवा बीड़ी अच्छा, पर बीड़ी हमारे मुल्क में चलता नहीं, सिगरेट ही चलता है। ओहो सब सिगरेट छटकाएंगे, कनकांडा लगी तब। 100 रुपये पैकेट 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये पैकेट नेपाल में महंगाई बहुत। तो बीड़ी बीड़ी नहीं पिएगा क्या आदमी, तो फिर कैसे चलेगा सिगरेट पी के ही? है दाई सिगरेट ही छटकानी पड़ेगी क्या? तम्बाकू छटकाना पड़ेगा घर जाके। चिलम है? हाँ हाँ चकटी वाला। हाँ हमने खेती बाड़ी का। अच्छा वो पाउडर कभी 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 सिगरेट पीना पड़ेगा, शीरा मिला के। हाँ मेलू का अपने आप बनाते हो गोला? हाँ अरे वाह, हमने तो शीरा भी खाया है जब छोटे थे ना, मीठा होता। मेलू का शीरा बनता है। मेलू का ये जो मेलू फल होता है, पता नहीं हमारे हमारे को तो नहीं ये जानकारी, हमारे यहाँ तो मेलू बहुत है। और उसको टिप के हार करने में जमा करके 8-10 दिन करने में रह गया, तब वो पाक जाता है, काला काला हो जाता है। हाँ बिल्कुल काला हो जाता है। पानी में घोल के तब कपड़े में डाल के ऊपर टांग दिए, तब पानी निकल गया। अरे वाह नहीं तो मैं हीरो यार, तुम हमें नई नई चीज़ सिखा रही है किया के। हाँ
तब गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा, तब तंबाकू की शान। तब उस मेदू के जूस को मतलब तंबाकू में मिलाया जाएगा, मिलाया जाएगा तो वो तंबाकू का स्वाद तो मीठा हो जाएगा फिर बढ़िया शानदार। तब चिले में डाल के खाएगा। अरे वाह शानदार। आप लोग जब यहाँ पे आते हो ना तो आपको वहाँ से कुछ अपनी सरकार से या किसी से कुछ लिखवा के लाना पड़ता है जो यहाँ की फौज या SSB आपको यहाँ रोके ना, कुछ लिखा के लाना पड़ता है? पहली पहले तो कहीं नहीं चाहिए था ना, अब चाहिए रहे। अब चाहिए तो कौन लिख के देता वहाँ से? प्रधान? ना ना, अब नागरिकता चाहिए, नागरिकता। अच्छा नागरिकता, जैसे आपको राशन कार्ड नहीं होता है उससे नागरिकता चाहिए, नागरिकता लेके आना पड़ता है बंसार में, नहीं तो नहीं। तो नागरिकता कैसे मिल जाएगी आपको इंडिया की? पहले वहीं से पहले कुछ लिख के देते होंगे वो, या तो नेपाल के अपने नागरिकता लेके आना पड़ता है। अच्छा, जितना आदमी है उतना का लेके आना पड़ता है। अच्छा, राशन कार्ड इत्यादि। हाँ, जैसे मतलब कोई पहचान पत्र है। हाँ, तब उसको दिखा दिया तब छूट जाता है। SSB है। हाँ, तब नहीं दिखाया, नहीं है बोला, तब उसको ऑफिस कर दिया। अच्छा, हम आएंगे माना आपके साथ यहाँ से नेपाल, तो हमको आने देंगे आपके साथ? आप बोलोगे हमारे साथ आ रहे हैं भाई। राशन कार्ड होना पड़ेगा, निकल जाएंगे। आधार कार्ड, राशन कार्ड है ना? आधार कार्ड होगा तो निकल जाएंगे। अच्छा, तो पैंतरी जी बनाओ भाई, पल्ला आधार कार्ड के नहीं निकल जाएगी। पहली विदेश यात्रा नेपाल की? जी जी, फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपने विदेश यात्रा कर दी। देखो हम कभी विदेश गए ही नहीं है आपके लिए तो विदेश हुआ इंडिया, और क्या, विदेश तो विदेश ही है भाई। नेपाल विदेश हुआ। आप भी कभी कभी जा लेना, क्या है, पशुपतिनाथ तो जा ही सकते हैं। हाँ, दर्शन करना है ना। आप लोग गए वहाँ? काठमांडू में तो है। हाँ, काठमांडू। लड़का वही है, लड़की वही है, काठमांडू में। विराट नगर भी है ना वहाँ, बड़ा शहर है वो भी। काठमांडू से पीछे है विराट नगर। विराट ही दुनिया भाषा जो महाभारत पोखी भाषा बोलू। हाँ हाँ, नेपाल के साथ तो हमारे महाभारत काल, रामायण काल से संबंध है, आज के थोड़ी है। तो यहाँ थड़कने लग गया है भात, गजब। तो अब तो आप खाना बनाने में भी एक्सपर्ट हो गए होंगे इतने सालों में है दाई? और क्या, सही है, खाना बनाना तो आना चाहिए, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है ने? और क्या। तो जैसे आप वहाँ से नेपाल से आते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि वहाँ ठेकेदार है, उस ठेकेदार के पास काम है? ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ेगा। ऐसे, ऐसे आते कि काम है कि नहीं, ऐसे जान पहचान हो गए, इनका नंबर लेके फोन करना पड़ता है नेपाल से। काम है कि नहीं? अच्छा, कोड नंबर लगा के काम है कि नहीं है कि नहीं है। फिर वो डिमांड करेंगे कितने आदमी चाहिए, डिमांड करके तब इतना आदमी चाहिए, इतना आदमी चाहिए, लेके आ बोलेगा वो। अच्छा, तब आना पड़ेगा। घुमा रहे इसको, पत्थर भी तो लगा रखा है, गिरेगा तो नहीं नीचे। दाई आराम से यार, कपड़ा भी नहीं है कोई। दाई हाथ चुकने, तो यहाँ पर ये 10 लोग रहते हैं और जो और भाई बंधु हैं वो काम करके अब अपने आश्रय में लौट चुके हैं। और अभी जो रात की सब्जी है, दाल है, चावल है, उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है बड़े प्रेम से। और यहाँ चल रहा है शाम की सब्जी का जुगाड़, बहुत बढ़िया। जो हरी भुज्जी खाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। किस चीज़ की है? राई की, मूली की? मूली की हरी पत्तियाँ। इनको तो वैसे ही मोड़ो, बस हाथ से तोड़ मरोड़ के और छौंका मार के हल्का सा उबाल दो बस। ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए इसको, हरी भुज्जी को। हाँ, इसको तो वैसे ही काटो, बहुत बढ़िया। इसका क्या करना है? कट्टा क्यों फाड़ रहे हो आप? रस्सी। अच्छा, बोट करके। दाई उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो सन बोलते हैं, भीमल के पेड़ से नहीं निकलती रस्सी बनाते हैं जिससे? भीमल। हाँ, भीमल का। आपके यहाँ भी तो बनाते रहते होंगे। हाँ, भीमल की खाल से, भीमली ना। अब बनाते हैं, अब तो लोग प्लास्टिक के ही बना रहे हैं।
है ना, आप छोड़ दिए। प्लास्टिक का मजबूत भी है लेकिन प्लास्टिक का उसके लिए खराब भी तो है, कंधे के लिए, कंधे पे ज्यादा जोर डालता है प्लास्टिक। आप बाजार में मिल जाता है पट्टा, हाँ रेडीमेड, हाँ रेडीमेड पट्टा मिल जाता है, अब पट्टा से काम चालू हो जाए बस, और क्या चाहिए। हाँ ये तो है, रेडीमेड कट्टा सही। तो अभी टाइम हो गया है 6:34 और कुछ ही देर में अब पूरी तरह से रात हो जाएगी, और अब करते हैं रात के खाने की व्यवस्था। तो आज हम बना रहे हैं मूली की खिचौड़ी। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं हम समाप्त और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।